एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे जा रहे होते हैं और अकबर का अंगूठा कट जाता है तलवार निकालते टाइम। वो बौखला जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, कहते सिपाहियों जल्दी जाओ, जा करके वैद्य को बुला करके लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया, देखो मेरी क्या हालत हो गई। उधर से बीरबल आता है हंसता हुआ, कहता है महाराज रिलैक्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है बीरबल तू क्या पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, मैं तुझे अपना समझता था और कैसी बेकार की बात कर रहा है। एक काम करो सिपाहियों, वैद्य को छोड़ो, पहले इस बीरबल को ले जाओ, ले जा करके उल्टा लटका दो इसको पूरी रात के लिए, और उसको कोड़े मारते रहना और सुबह सुबह फांसी दे देना। ले जाते हैं बीरबल को। उधर से अकबर अकेला शिकार पे चला जाता है, उसको कुछ आदिवासी पकड़ के ले जाते हैं और उल्टा टांग देते हैं। अब वहां आदिवासियों का डांस चल रहा है, इतने में एक आदिवासी की नजर पड़ती है उसके अंगूठे की तरफ, कहते कि अरे यार ये तो अशुद्ध है, इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको। अकबर को छोड़ दिया जाता है। अब अकबर रो रहा है, सुबह का टाइम हो चुका है, उसको लगता है कि अब तक तो बीरबल को फांसी लग गई होगी। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बीरबल बीरबल बीरबल, भागता हुआ आ रहा है। आके देखता है कि बीरबल को बस फांसी लगने ही वाली है, रस्सी लग चुकी है। जाकर के बीरबल के पैर पकड़ लेता है, कहता है बीरबल मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूं, और मुझे देखो कितना घटिया इंसान हूं, मैंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया। तो बीरबल टूटी फूटी हालत में बोलता है, कहता है नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर एकदम चौंक जाता है, कहता है बीरबल तू क्या पागल है क्या, क्या बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है। कहता है महाराज इसमें यह अच्छा है कि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते।